एसबीआई पूर्णिया जोन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूर्णिया के कला भवन में एक बैठक की। इसमें एसबीआई के कर्मचारियों की समस्याओं को संगठन के अधिकारियों ने सुना और उसे दूर करने के लिए आपस में विचार विमर्श किया। साथ ही युवा पीढ़ी को कैसे बैंक में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए यह भी सिखाया गया। समारोह का उद्घाटन संगठन के अधिकारी संजय सिंह एवं राजेश त्रिपाठी समेत मौजूद अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन की बैठक है जो पूर्णिया अंचल की बैठक है। पूरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना सर्किल में 7 जोन होते हैं, 7 अंचल हैं, उसमें से एक अंचल पूर्णिया जोन है। यहाँ के लोगों को जो कि 7 जोन के जो पूर्णिया अंचल के जो जोन हैं उसके जितने भी आरबीओज हैं उसके सारे सदस्य हमारे आए हुए हैं। आज ये हमारे जो पूर्णिया जोन के सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी दरभंगा मधुबनी अररिया किशनगंज कटिहार पूर्णिया ये सारे जिले के लोग यहाँ आए हैं। इसमें जो अभी वर्तमान में जो हमारे स्टाफ सदस्यों को जो दिक्कतें हो रही उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके अलावे हम बैंकों लोग नए युवा पीढ़ी हमारे बैंक में अभी आए हुए हैं उनको हम बताएंगे बैंक में काम किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से अपने को बस के काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल के डेट में बहुत सारे फ्रॉड होने के चांसेस है, उसकी जानकारी देंगे कि कैसे बच के करना चाहिए, जो बैंक के नॉर्म्स हैं उसका कैसे पालन करें, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम उनको जानकारी। गठनिक जो कार्यक्रम है ये हम लोग पूरे भारतवर्ष में करते हैं और इसका दो उद्देश्य रहते हैं। पहला उद्देश्य रहता है कि बैंकिंग में जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उन्हें नए नए जो सावधानी बरतनी है ये सब चीज़ों पर हम लोग उनको बताते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप देख रहे हो कि अभी सारे भारत में बैंक कर्मी आंदोलित हैं, हमारा वेतनमान समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा मर्जर के नाम पे जो प्राइवेट करने की एक राजनीति चल रही है, तो आने वाले समय में लंबा आंदोलन होगा और उस आंदोलन के लिए अपने कॉमरेड्स लोगों को तैयार करने का भी इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समय में जब हम लंबी लड़ाई लड़ें तो उस वक्त सारे हमारे बैंकर्स रेडी रहें उस लंबी लड़ाई में पार्टिसिपेट करें।